दही टोस्ट बनाएंगे और उसके लिए हमने दही को कपड़े में छान लिया है और आधा घंटा लटका के, और वो दही ऐसा हो जाएगा, हमने इसको बॉल में निकाल लिया है, ब्रेड पे स्प्रेड करने में बहुत आसान रहेगा। अब हम दही को इस बॉल में डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, काली मिर्ची डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, जितना आपको तीखा चाहिए उसके हिसाब से, और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अब हमारे दही का मसाला तैयार है। इसमें चाहे तो आप लाल मिर्ची या कुछ और मसाला, चाट मसाला डाल सकते हैं, पर वैसे ये तैयार है। अब हम इस ब्रेड के किनारे काट लेंगे बारीक बारीक। अब हमने इसके किनारे चारों तरफ से ऐसे काट लिए हैं। अब हम ब्रेड पे थोड़ा बटर लगाएंगे, उसके बाद दही लगाएंगे। दही की लेयर हम बीच में ज़्यादा रखेंगे, उसके बाद हम ऐसे ऐसे थोड़ा इसको फैलाते जाएंगे। दूसरी ब्रेड को हम खाली थोड़ा बटर लगाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्च इस पर छिड़क देंगे और दूसरे वाले पे भी थोड़ा सा नमक, एक ही चुटकी। उसके बाद हम ये एक दूसरे पे ऐसे रख देंगे। अब हमने सभी सैंडविच ऐसे तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें सेकेंगे। आज पे हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम राई डालेंगे। राई थोड़ी ज़्यादा डालेंगे और कड़ी पत्ता, जिससे उसको दो दो साइड लगेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। कड़ी पत्ता डाल देंगे हम, कड़ी पत्ता थोड़ा हाथ से तोड़ के डालेंगे तो अच्छा है। गैस स्लो कर लेंगे। अब हम ये जो दही लगा हुआ टोस्ट है वो इस पे रख देंगे। गैस को बढ़ा देंगे। राई और कड़ी पत्ता बीच में करते रहेंगे जिससे पूरा ब्रेड में लग जाए। ब्रेड को हम ऐसे अलग अलग करके अच्छा थोड़ा क्रिस्प होने तक सेकेंगे इसको। अभी देखो बहुत अच्छा सिक गया है, क्रिस्प भी हो गया है, बाकी भी हम ऐसे ही सब सेक लेंगे। ये हमारे दही टोस्ट बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। इसको केचप से, मस्टर्ड सॉस से और ग्रीन चटनी से किसी से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में।